तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलेश भारती है और मैं एम्स कलानी का सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो यहाँ की या किसी भी स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज होती है उससे आपके क्लिनिकल पोस्टिंग्स पे कितना अफेक्ट पड़ सकता है, आप कौन कौन सी दिक्कतों का सामना कर सकते हो और इसके सॉल्यूशंस क्या है, जो मैंने खुद अपना है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बांग्ला बोल सकता हूँ। तो बिना किसी देरी का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे क्लिनिकल पोस्टिंग्स के ऑलमोस्ट 3 महीने पूरे हो गए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो लोकल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है वो कितना है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो पेशेंट है, अगर आप लोकल लैंग्वेज जानते हो, अगर आप पेशेंट से लोकल लैंग्वेज में बात करते हो तो आपका एक बहुत अच्छा रैपो उसमें मेंटेन होता है, यानी कि पेशेंट जो है वो आपको बहुत अच्छे से अपनी जो परेशानी वो बता पाएंगे। ये स्पेशली बच्चों के केस में ज्यादा इफेक्ट करता है, जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो हिंदी नहीं जानते, जो बंगाली में बोलते हैं, अगर आप बंगाली नहीं जानते या किसी भी स्टेट के लोकल लैंग्वेज पे मतलब कि ले सकते हो आप, तो मैं बंगाली का एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कोई बच्चे हैं वो हिंदी नहीं जानते सिर्फ बंगाली जानते हैं, और अगर आप उनसे बंगाली में बात नहीं कर पाते हो तो वो आपको अपने पूरे परेशानी नहीं बता पाएंगे, तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है हिस्ट्री टेकिंग के टाइम में। लेकिन ये अगर आप एक बंगाली जानते हो तो इसके एक बहुत अच्छा रैपो मेंटेन होता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड पॉइंट आता है कि आप पेशेंट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, अगर आप लोकल लैंग्वेज जानते हो तो आप पेशेंट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, वो कुछ भी बोलना चाहता है तो आप समझ पाओगे। जैसे कि मान लो कि अगर आप पेशेंट से बात कर रहे हो तो आपने उन्हें से कुछ पूछा, अगर उन्होंने कुछ बोला, अगर आप नहीं समझ पाओगे तो क्या ही फायदा, तो आप अच्छे से हिस्ट्री नहीं ले पाओगे। और जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो उसमें लोकल लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसमें आपको एक लॉन्ग केस बेस्ड आपको एक प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसमें आपको पूरी पेशेंट का हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन आपको सारा करना होता है, और फिर आपको एग्जामिनर को प्रेजेंट करना होता है। आप मान लो कि जैसे कि जो पेशेंट है वो आप हिंदी नहीं जाने या जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो नहीं जाने, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। और थर्ड पॉइंट आता है कि सारे पेशेंट जो है वो हिंदी नहीं जानते, आप ये सोच के मत आना कि बंगाल में लोग पूरे हिंदी जानते होंगे, लेकिन जानते तो है मोस्ट ऑफ द लोग, लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं वो मैंने अपना जो 3 महीने का मेरा पोस्टिंग है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो हिंदी पूरी तरह से नहीं जानते, तो उस टाइम हमें प्रॉब्लम होती है हिस्ट्री टेकिंग के टाइम में, इसलिए हमारे साथ हमारा कोई ना कोई बंगाली दोस्त होता है जो हमारी हिस्ट्री लेने में मदद करता है। और चौथी पॉइंट ये है, जैसे हिस्ट्री लेने के टाइम पेशेंट जो है वो लोकल लैंग्वेज का यूज करता है, जैसे कि कुछ टर्म्स हैं ऐसे हैं जो आप कभी सुने ही ना हो, जो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही वो वर्ड का यूज होता है तो वो भी यूज करता है, तो आपको उस वर्ड से भी वाकिफ होना पड़ेगा। तो अब तो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बता दी है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, आप कैसे day 1 से ही अपने जो इस प्रॉब्लम है उस पर आप काम करके अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हो, तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा तो आप वो फॉलो कर सकते हो, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो की स्पॉन्सर की, जो है अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पे 20 फरवरी से 28 फरवरी तक एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसमें आप 3 महीने के सब्सक्रिप्शन बाय करते हो, अगर आप 6 महीने के सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो आपको अप टू 33% डिस्काउंट मिल सकता है 3 महीने के सब्सक्रिप्शन पे, और अप टू 28% डिस्काउंट मिल सकता है 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे। तो अगर आप मेरा कोड नीलेश अकेडमी यूज करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। और अनअकैडमी पे अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट चल रहा है, जो कि कल 27 फरवरी को 10 AM से होने वाली है। इस टेस्ट में सभी क्लास के स्टूडेंट्स, भले वो 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, या इंजीनियरिंग या नीट एस्पिरेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस टेस्ट में आपको एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, और आप इसमें एक ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट कर सकते हो। तो आप मेरा कोड नीलेश अकेडमी यूज करके इसमें फ्री में इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप बहुत सारे रिवॉर्ड जीत सकते हो, जो इसमें रैंक 1 आएगा उसे मैकबुक एयर मिलेगा, रैंक 2 to 3 आएगा उसे आईफोन मिलेगा, रैंक 4 to 5 आएगा उसे आईपैड मिलेगा। और इसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप भी हैं, जैसे रैंक 1 to 10 को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, रैंक 11 to 25 को 75% स्कॉलरशिप मिलेगी, और आप फर्दर स्कॉलरशिप साइट पे देख सकते हैं। और अनअकैडमी पे नीट 2022 के लिए एक प्रतिभा बैच का भी लॉन्च हुआ है, जो कि 2 मार्क्स से शुरू होगा। और अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आपको एक 1:1 लाइव मेंटरशिप इंटरेक्शन प्रोग्राम भी मिलने वाला है। आपको कुछ कोई भी डाउट हो या किसी स्ट्रेटजी रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर कोई सब्जेक्ट से प्रॉब्लम हो, आप कोई भी डाउट हो वो आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। और ये जो 1:1 इंटरेक्शन है ये आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल है, तो बिना किसी देर के आप अपने सेशन बुक कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए अनअकैडमी लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लाइट का UGC सब्सक्रिप्शन पैक ले सकते हैं। इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं, इसमें आपको 10,000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, और आप सारे टेस्ट का इन डेप्थ एनालिसिस भी कर सकते हो। मुझे पर्सनली बहुत फायदा मिला है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपके दोस्त हैं, जो लोकल दोस्त हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ बंगाली लोग हैं, मेरे बंगाली दोस्त भी हैं, तो उनसे आप क्या करो, आप day 1 से ही बंगाली में बात करना शुरू कर दो। आप भले कुछ ना समझो लेकिन वो जो बोलते हैं तो आप धीरे धीरे समझने लगोगे। जैसे कि आप हमेशा भी, अगर आपको बात करने का मन नहीं है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप हमेशा बात करो, लेकिन कुछ जो टाइम है जैसे कि आधे घंटे हो गए, एक घंटे हो गए, तो इसमें आप बंगाली में बात करो। तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि कुछ कुछ आपको जो वर्ड्स हैं तो आपको आने लगेंगे। ये तुरंत तो प्रोसेस नहीं है, लेकिन आपके पास 1 साल का टाइम है। अगर आप सेकंड ईयर में जाने से पहले आपको 1 साल का टाइम मिलता है,
तो उस एक साल में आप अपनी जो कमजोरी है इस पर काम करो धीरे। ये देखिए ये एकदम से ठीक नहीं होगा, आपको एक लैंग्वेज सीखना एक आर्ट है, तो आपको धीरे धीरे ही आएगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो मोस्ट कॉमनली वर्ड्स होते हैं तो उन्हें आप लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये आप याद करने की कोशिश करो। जैसे बंगाली में बारी को घर बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे ही नॉर्मल से वर्ड है जो, तो वो आप याद करने की कोशिश कर सकते हो। और कुछ कुछ जो सेंटेंस होते हैं जैसे कि आपका घर कहाँ है, अपनार बारी को थाई, ये सब आप यूज कर सकते हो। और जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं जैसे कि आमी ओल्पो सोल्पो बांग्ला बुझते पारी, अपनार घर कोथाई, और जैसे आप पेशेंट से पूछते हो कि आपके चीफ कंप्लेंट्स क्या है, तो आप उनसे ये पूछ सकते हो कि अपनार की असुविधा। तो आप ऐसे करके मतलब कि ये सब जो बेसिक सेंटेंस है वो आपको आनी चाहिए, और आप फर्स्ट ईयर के डे वन से ही बोलना हल्का चालू कर दो। जो जैसे कि बंगाली है, जैसे कि मैं बंगाली का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप बंगाली बोलना चालू कर दो, या आप दूसरी जगह भी जा रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आप बोलना चालू कर दो। देखिए अगर आप कल पे छोड़ोगे, जैसे कि मैं अगले साल सीख लूंगा, सेकंड ईयर में सीख लूंगा, तो आप ये कल कभी नहीं आता है, जो आप लोग सब जानते होंगे, इसीलिए आप आज ही से बोलना शुरू कर दो। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, आप धीरे धीरे सीख ही जाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश की आपको लोकल लैंग्वेज और क्लिनिकल पोस्टिंग्स का इंपॉर्टेंस समझाने का। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और सेकंड राउंड का काउंसलिंग का रिजल्ट भी आ गया है, तो आप लोगों को एम्स करानी जिन्हें मिला है उन्हें बहुत बहुत बधाई। अब जल्दी ही एडमिशन चालू हो जाएगा, और जैसा कि मैं सुन रहा हूँ 7 तारीख से या 7 मार्च के अराउंड क्लासेस शुरू होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।